गाइज ये फर्स्ट ईयर है ये फोर्थ ईयर है चप्पल में आ रहे हैं मतलब। और टाइम हो गया व्लॉगिंग छोड़े हुए, तो अब आधा सीढ़ी थोड़ा शर्म आ रही है, पता नहीं अब मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रेलेवेंट भी नहीं बोल रहे हैं कुछ हम। यार पहले GoPro लेके व्लॉग करते थे। और भाई कैसा लग रहा आज पहला दिन ऑफिस जाके कैसा लगा? ऑडी से वापिस आए काफी अच्छा। ऑडी कौन लेके आया? ऑडी से भाई भाई हम बाल जो हेड है ना वो उसकी कार में ड्रॉप हुआ रे बस में। पहला दिन कैसा लगा? कॉर्पोरेट लाइफ का टच मिल गया। उसमें भाई बैठा था बस पूरा टेबल टेनिस खेल तो पेपर सीजर भाई हम दोनों होगा तो तीन बार होगा ना, एक बार स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर। तो हाँ जी, कैसे हो सब? आई होप मस्त हो गए। तो यार काफ़ी टाइम हो गया तुम लोग से ऐसे बातचीत की हुए, ऐसे डेली व्लॉग की हुए। तो अब देखो यार मेरी कोई गलती नहीं थी, अब हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, आई मीन परिस्थिति। सो हियर इज द अपडेट गाइस, मैं आ चुका हूँ 4th ईयर में। और भाई कैसा गया इंटरव्यू? भाई पता नहीं भाई मतलब दो तरीके से इंटरव्यू हो रहा था भाई, टीम पे डिपेंड कर रहा था भाई। एक मिनट कॉल था, रुक जा 1 मिनट। मतलब इससे इतना सारा पूछे, मेरे से बिल्कुल ही नहीं पूछे। मुझसे क्या क्या पूछे? देखो जो आसान पूछे तो मैं बता दिया जो हार्ड पूछे अब मैं बोला होता भी ऐसा कुछ तो पूछता बोलता है यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई नो यू नो एवरीथिंग। अरे हाँ अरे भाई वो कुछ आगे कौन बंदा था भाई? वो डायरेक्टर था भाई वो। अरे तभी तो बोल रहा है मैं समझ गया तेरे को आता है तू, लेकिन ये जॉब बहुत बेकार है ऐसे बोलता है भाई। नहीं भाई मेरे को चलेगी भाई, मैं बोला तो चलेगा कोई बात नहीं। कह रहा यू आर साउंडिंग लाइक यू आर वेरी डेस्परेट। बोला यस हूँ भाई, गलत क्या है? सही है भाई, इतनी दूर से इंटरव्यू देने आया है। आई नो ये टाइम बहुत जल्दी बीत गया और सॉरी यार तुम लोग से मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की हैं, बट आई एम ट्राइंग कि वो मैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके तुम लोग के साथ शेयर करूँ जब तक मैं कॉलेज में हूँ। तो यार ये व्लॉग बहुत ही रैंडम होने वाला है क्योंकि आफ्टर गेटिंग इनटू 4th ईयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैं इस वाले व्लॉग में तुम्हें डॉक्यूमेंट करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं जब हमारे 7th सेमेस्टर के लास्ट एग्ज़ाम चल रहे थे, यानी कि कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम। यूएस में कहाँ गए आप? नाम बताइए। नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए? यूएस में बहुत जगह गया हूँ। सीआई में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आए बैंगन। 10 सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, एसीडी डीसीडी नेटवर्क एनालिसिस। कोई काम आया प्लेस्टोर लगी? सोने गए कितने थे? ये क्या लियो भाई? हा? क्या ले लियो भाई? ये मार्कशीट ले लिया। हो गया कॉलेज खत्म? फिर अब क्या करना? पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा। आपकी तो लग गई है ना जॉब? हाँ ये सब नहीं बोलते। गाली क्यों दे रहे हो? गाली तो हमको आदत छूट गया, हम गाली डिपार्टमेंट में गाली दे रहे हो। तो भैया फाइनल ईयर में आपको कॉलेज को एक एक्टिविटी पॉइंट का रिपोर्ट देना होता है जो कि कहलाता है AICTE, जिसमें आपको 100 पॉइंट एक्टिविटीज कलेक्ट करने होते हैं पूरे 4 सालों में। वो 1 साल में भी ले सकते हो, 2 साल में भी कलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो बेसिकली उसमें आपको सोशल वर्क करना होता है, लाइक आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाके कुछ काम करना हो या गरीब बच्चों की हेल्प करना हो, बेसिकली ऑल द सोशल वर्क जो भी आपको पता है वो सब करके आपको वो एक्टिविटी पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो बेसिकली आपको टोटल 100 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं पूरे 4 सालों में। तो हमने 4 सालों में यार कुछ ही एक्टिविटी पॉइंट्स कलेक्ट किए थे, तो बाकी का कलेक्ट करने हम निकल गए सोशल वर्क करने। गुड मॉर्निंग, और अपन निकल गए आज एक और जंग की तैयारी में। कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहे हैं कृष्ण राजापुरा भाई। कृष्ण राजापुरा जा रहे हैं एक्टिविटी पॉइंट लेने हैं, सोशल एक्टिविटी करने। बहुत ज़्यादा हमने सोशल एक्टिविटी करने, थोड़ा गरीबों की मदद करने आज निकले। आज अंदर का सोशल वर्कर जाना है हमारा, तो चल रहे हैं और सारा सोशल वर्क आज कर देंगे। तो भाई सुबह के 7:30 बजे और इतनी सुबह उठ के हम जा रहे हैं, मतलब आज तक बहुत रेयरली होगा हम सुबह उठे। आदत हो गई 12 बजे उठने की, अभी जस्ट निकल रहे हैं। तो पहुँच के हम बताते हैं क्या सीन है भाई। 7:30 बजे पूरा मेट्रो खाली। तो भाई अभी चलते हैं, मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी हमें भी नहीं पता। बेसिकली एक्टिविटी पॉइंट लेने जा रहे हैं जो कॉलेज में रिक्वायर्ड होता है। कितना टोटल कितना चाहिए? 100 पॉइंट 100 तो गाइस अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और अब अपन पहुंच गए हैं वाइट फील्ड के एरिया में। मतलब वाइट फील्ड नहीं पहुंचे। स्टेशन का नाम कृष्ण राजपुरा है भाई। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी हमें यहाँ पे मिलेगी विजय लक्ष्मी, जो मेरी फ्रेंड है, वो हमें लेके जाएगी जहाँ पे एक्टिविटी करने जाना है। शायद एक कोई स्कूल है, वहाँ पर जाना है हमें। तो यहाँ से थोड़ी दूर है, यहाँ से देखते हैं, शायद बस पकड़ेंगे या कुछ ऑटो लेंगे, यहाँ से जाएँगे स्कूल, फिर वहाँ पे देखते क्या क्या एक्टिविटी होने वाला है। गाइस सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हमें 8:30 बजे रिपोर्ट करना था और अभी 8:30 बज रहा है और अभी हम हैं लगभग काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर ऑलरेडी है। लेकिन भूख इतनी तेज़ लगी, कुछ नहीं खाया आज सुबह से। और कल रात में थोड़ी बहुत पार्टी हो गई थी। अभी बैठे हैं, खा रहे इडली और अमित भाई डोसा लेके आ रहे हैं। तो अभी पहले पेट पूजा करेंगे यार, फिर निकलेंगे। लक्ष्मी जी भी आ गई हैं, एक दिन में 2-2 पार्टी करके आ रही है। फुल मौज भाई। तो गाइस पता नहीं कहाँ पे आ चुके अपन। कोई तो स्कूल का नाम पता नहीं चल रहा है। थोड़ा कुछ गांव वाले इलाके में आ गए हैं, थोड़ा रूरल एरिया में। तो देखिए भाई, मैं एडिट कर ही रहा था, तो एडिट करते करते सॉरी मेरे को याद आता है कि इसके आगे की चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर रिकॉर्डिंग एंड ऑल अलाउ नहीं था। पर तुम्हें पता तुम्हारे सेठ जी कैसे है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किए हैं पर अभी नहीं डाल सकते हैं। इस पूरे व्लॉग के साथ मैं मिलूँगा तुम लोग से किसी दूसरे व्लॉग में, पर पक्का जरूर मिलूँगा और पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आगे क्या हुआ। आगे यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो कि मैं अभी तुम्हें इस व्लॉग में नहीं दिखा सकता क्योंकि व्लॉग भी बड़ा हो जाएगा और 2-3 रीज़न और हैं जो कि मैं किसी और व्लॉग में बताऊँगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि बस 8 सेमेस्टर में एक्टिविटी पॉइंट ही तो कलेक्ट करने होते हैं, तो आप गलत हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसा कि मेजर प्रोजेक्ट। अब उसके भी चोचले कम नहीं है। तो गाइस कितने साल बाद आप कॉलेज में आ रहे हैं? हो गए कुछ साल, बूढ़ा हो गया हूँ, सफ़ेद बाल लेके आया हूँ कॉलेज में। किस लिए जा रहे हो आज कॉलेज? दोस्तों आज हमारा मेजर प्रोजेक्ट का अनलोडिंग है। ट्रक गोवा से आया है, अभी जा रहा है कॉलेज। गाइज ये फर्स्ट ईयर है ये फोर्थ ईयर है चप्पल में आ रहे हैं मतलब। तो गाइज ऐसा है कि कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो गया, 8 सेमेस्टर में आ गए। मेजर प्रोजेक्ट का कुछ काम है और अपडेट कुछ ऐसे हैं कि प्लेसमेंट चल रहे हैं लोगों के और हमारे भी हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कुछ के हो जाते हैं, उनके ऑफर लेटर नहीं आते। हमारे ऑफर लेटर ही नहीं आए, बताओ यार। और तो कुछ नहीं यार, अभी आया है बस मेजर प्रोजेक्ट का काम करके चलते हैं। जिंदगी में हसलिंग चल रहा है, हसल। और अभी बहुत सारे ब्लॉग आएंगे। अब तो बैकअप मार दिए, मतलब क्या कमबैक मार दिए, बैकअप कह रहा हूँ और अब ब्लॉग्स आते रहेंगे। कॉलेज के बहुत सारे अपडेटेड ब्लॉग्स बचे हुए हैं जो कि आएंगे, जल्दी आएंगे। टाइम नहीं मिलता यार, ट्राइपॉड लेके घूम रहा हूँ। अभी रील शूट करना है, रील शूट किया है, हर्ष भाई अपने साथ में है। तो बात ये है कि हर बार ये व्लॉग में ले लेता है, जब मैं ऐसे ही निक्कर पहन के घूमता रहता हूँ। आज बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मैं बोला कि भाई व्लॉग कर लो थोड़ा सा, कि भाई अच्छे से आया हूँ सज के सवर के। उसके बाद अब जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। गाइस कुछ ऐसा है कि बहुत टाइम हो गया व्लॉगिंग छोड़े हुए, तो अब आदत सी नहीं, थोड़ा शर्म आ रही है, पता नहीं अब मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रेलेवेंट भी नहीं बोल रहे हैं कुछ हम। यार पहले गोप्रो लेके व्लॉग करते थे। देखो यार मानता हूँ कि 4th ईयर में आने के बाद हमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, पर यार वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। लगभग हमारे ग्रुप में सबकी प्लेसमेंट लग चुकी थी। हम सब ने एक दूसरे की प्लेसमेंट लगने पे बहुत सारी पार्टियाँ की, बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। तो मैंने सोचा यार इस व्लॉग की एंडिंग इससे अच्छी हो ही नहीं। आई होप तुम अभी भी मेरे व्लॉग पे वैसे ही प्यार दोगे जैसे तुम पहले प्यार देते थे। और यार अब तो व्लॉग्स रुकने नहीं वाले गाइस। अब सिर्फ व्लॉग्स पे व्लॉग्स आएंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आई होप तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और अब मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है क्योंकि कैमरा काफ़ी ऊपर है तो चलो बाय बाय।